तो अब आपको तसल्ली हो गई? हाँ, राज वैद्य जी ने कहा कि बस मैं एक दो दिन में राज दरबार जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उनको महामंत्री जी को अपनी स्थिति बताने के लिए कह दिया था ना? हाँ, कह दिया। आज तो राजगुरु जी के चेहरे पर खुशी फूट रही है। हाँ, आखिर 101 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। बस यही ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार फिर उसका इनाम झटकवा कर दिखाओ, फिर मालूम पड़ेगा ठीक क्या होता है। देखिए, अब आप मुझे छेड़ने लगे। नहीं राजगुरु जी, हम इतने दिनों बाद आपको चिंता मुक्त देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, फिर ठीक है, परंतु हमें एक हानि हो गई। क्या? आपको क्या हानि हो गई? जो आपने सुबह का नाश्ता और रात्रि भोज करवाने की योजना बनाई थी, वो ध्वस्त हो गई। हाँ, ये तो है, परंतु एक लाभ होगा। वो क्या? हम सबको अब गहरी नींद आएगी। हाँ। अब आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान तो मैं रखूंगा, किंतु किंतु कभी न कभी बदला जरूर लूंगा। हाँ मगम्मा, अब बताओ मामा श्री के मोदक कैसे थे? मोदक तो अच्छे थे, किंतु एक बात बताइए। पूछो। आपको इतना विश्वास कैसे था कि मामा आपसे संबंध स्थापित करेगा? जब एक व्यक्ति किसी चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसके पास प्रतिदिन विकल्प कम होते जाते हैं, बहाने की भी एक सीमा होती है मगम्मा। प्रत्येक बहाना एक समय सीमा का अनुमान लगाकर बनाया जाता है, और मैं उसके कम होते विकल्पों को देखकर समय का अनुमान लगा रहा था। मामा ने गलती कहाँ की थी? एक व्यक्ति को जब भी बहाना बनाना हो तो वरिष्ठ कारण नहीं बताना चाहिए, अर्थात पक्का बहाना जिसे मोड़ा या बदला ना जा सके, जो निर्धारित स्थान व समय से संबंधित हो, जिसकी समय अथवा स्थान सीमा तय हो। बस यही गलती की थी मामा ताताचार्य ने। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मामा ताताचार्य ने शत्रुंजय के प्रश्न से बचने के लिए अपने भाई के घर जाने का बहाना बनाया था, तब से ही मैंने उसके चारों ओर जाल बुनना आरंभ कर दिया था, और मामा उसमें फंसते चले गए। तो क्या दरबार में कुछ घटना नहीं हुई? हुई तो नहीं, परंतु होने की आहट अवश्य आई है। क्या हुआ? राजगुरु लौट आए हैं और उनका पेट ठीक नहीं। राजवैद्य के हाथों कहलवाया है, उनसे दवा भी ली है। इसमें आहट क्या है? वो ये, पेट खराब होना तो माना अधिक खाने अथवा आव भगत में हो सकता है, परंतु जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि वे अपने भाई के घर में रहते हुए भी वहां किसी वैद्य से भी तो इलाज करवा सकते थे। ये तो है। फिर ऐसी हालत में यात्रा करना भी तो समझदारी नहीं और व्यवहारिक भी नहीं। आपके तर्क में दम है महाराज। फिर अवकाश की सूचना राज वैद्य के माध्यम से क्यों भेजी? अपने मित्रों, रक्षा मंत्री व कोषाध्यक्ष के माध्यम से क्यों नहीं? बस इसलिए इन सब बातों से मुझे लगता है कि अब खेल समाप्त होने को ही है। गुरु जी, आज हमें बताएं कि एक राजा को अपने मंत्रीगण चुनते समय किस किस को आधार मानना चाहिए। देखो पुत्र,
एक राजा की सफलता का आधार उसकी व्यक्तियों को परखने की दक्षता में ही होता है। और उस नियुक्ति का मापदंड क्या हो? देखो पुत्र, एक राजा को जिस विभाग के मंत्री चाहिए वही व्यक्ति चुना जाना चाहिए जो न केवल उस कार्य को स्वयं कुशलता पूर्वक संपन्न करने में दक्ष हो बल्कि वो दूरदर्शी, निष्ठावान तथा स्पष्टवादी भी होना चाहिए। स्पष्टवादी से आपका क्या तात्पर्य है? यदि राजा कोई कार्य अनैतिक, अनैतिक अथवा अदूरदर्शिता से कर रहा है तो वो मंत्री राजा को अकेले में स्पष्ट रूप से मगर चतुराई से बताने का साहस भी रखता हो। एक अच्छे मंत्री का कर्तव्य है कि यदि राजा गलत राह पर चलने लगा हो तो दंड का भय त्याग कर राजा को उस कार्य से रोके और अंत में इस गुण की राजा सराहना भी करता है और यही उस मंत्री की सच्ची निष्ठा है। एक बात बताइए कि क्या राज्य वैद्य ने महामंत्री जी को सूचित कर दिया? हाँ, और महामंत्री जी ने महाराज को भी सूचित कर दिया था कि आप लौट आए हैं, परंतु अभी भी पेट पूरी तरह ठीक नहीं है। महाराज की कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, बस सर हिलाया। और उसकी? उसकी किसकी? अरे उसका वक्त की। राजगुरु जी, ये रवैया त्याग दीजिए वरना आपके भीतर का द्वेष फिर लौट आएगा। लौट तो तभी आया था जब 101 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ठीक तो नहीं, फिर भी उसका प्रदर्शन न करें तो अच्छा है। अरे आप चिंता ना करें, उसे खबर भी नहीं होगी बल्कि उसे लगेगा कि मामा मुझसे प्रेम करने लगे हैं। कमबख्त। महाराज, यदि आज्ञा हो तो राजपुरोहित जी से प्रवचन सुना जाए। हाँ हाँ महामंत्री जी, अवश्य अब राजपुरोहित जी के प्रवचन सुनना चाहिए। एकता से राष्ट्र बनता है, गुरु चाणक्य ने कहा है। शत्रु चाहे कितना बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करें तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनके से बना हुआ छप्पर मूसलाधार बरसती हुई वर्षा को भी रोक देता है। वास्तव में एकता में बड़ी भारी शक्ति है। वाह राजपुरोहित जी, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ तो आज प्रश्न पूछने की बारी तेनाली राम जी की है। महाराज, आपकी आज्ञा से मेरा शत्रुंजय से प्रश्न है कि किस माह में लोग कम सोते हैं? वाह तेनाली राम जी, आपका प्रश्न ये है कि ऐसा महीना है जिसमें लोग कम सोते हैं, उस माह का नाम बताएं। तेनाली राम जी, कम सोने का संबंध ऋतु से है क्या? नहीं। वो माह क्या है, विक्रमी संवत का अथवा पश्चिमी का? ना, पश्चिमी तो नहीं। तो वो माह है फरवरी। फरवरी माह में लोग कम सोते हैं। वाह, फरवरी माह में लोग कम सोते हैं क्योंकि फरवरी में दो दिन कम होते हैं और इसलिए लोग सोते भी कम हैं। बहुत उम्दा जवाब, बहुत उम्दा, वाह। कोषाध्यक्ष जी। जी महाराज। राजगुरु के घर चलना है। क्या हुआ? संदेश आया था, आओ
कुछ काम है? फिर किसी मुसीबत में तो नहीं आ गए? वो तो अब जाकर ही पता लगेगा। Dimata, dimata.